सो अब हम देखेंगे ओपैम्प आईसी जो हमारे स्कीमेटिक डायग्राम में पहले देखेंगे, फिर बोर्ड में देखेंगे ये कैसे यूज़ होता है, और इसका डेटा शीट भी आज हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ पे ये यूज़ होता है। सो देखिए, ये एक है हमारा ओपैम्प आईसी, इसका नंबर है PU101B, मीन्स PU101A भी होगा, ए भी होगा, बी भी होगा, मतलब ये डुअल ओपैम्प है, ठीक है, जिसका नंबर है LM393DG। तो देखिए काम कैसे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं हम 3 वोल्ट आ रहा है इस पॉइंट पे, और मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 2 वोल्ट आ रहा है। तो देखिए, मैंने बताया था आपको कि कंपैरेटर में क्या होता है, अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है तो ये हमारा पॉजिटिव सप्लाई इसमें जाएगा। कितना सप्लाई जाएगा ये ओपैम्प तय नहीं करेगा कितना सप्लाई जाएगा, क्योंकि आईसी को जितना ज़रूरत है, इस मॉस्फेट को जितना ज़रूरत है उतना ही वो देगा। ये वोल्टेज देखिए इसलिए पुल अप किया गया है 3 वोल्ट। जब ये वोल्टेज हाई होगा, प्लस मीन्स नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये जब हाई होगा तब इसमें ये 3 वोल्ट आए रहेगा, 3 वोल्ट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट। अब जब मान लेते हैं कि ये हमारा 3 वोल्ट है और ये हमारा 5 वोल्ट, ये अगर बढ़ जाता है और ये घट जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे तो पुल अप जैसे भी हो रह रहा है, 3 वोल्ट पुल अप दिया हुआ है, ठीक है, पुल अप का मतलब भी आपको समझ में आ रहा होगा, पुल अप यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये क्या होगा, जैसे इन्वर्टिंग टर्मिनल बड़ा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्राउंड कर देगा इसको, ये इसको ग्राउंड कर देगा। तो जब ग्राउंड करेगा तब क्या होगा, ये 3 वोल्ट जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो भी ग्राउंड हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंपैरेटर का काम, LM393 का काम। हमने जो देखा था ओसिलेटर आईसी, एम्पलीफायर आईसी, समिंग एंड ऑल दैट, तो वो सब कुछ काम के नहीं है। तो हमको ये समझना है ये कैसे प्रैक्टिकली हमारे स्कीमेटिक डायग्राम पे काम करता है। तो चलिए इसका बी भी देख लेते हैं, ये कौन सा, सॉरी ये बी है तो इसका ए देख लेते हैं कहाँ पे है। सो देखिए यहाँ पे ये इसका ए है, देखिए PU101A LM393, इसमें भी आउटपुट कैसे आएगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव पे, यहाँ पे अगर ज़्यादा आता है, यहाँ पे अगर कम आता है, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा, इसमें जितना वोल्टेज होगा इसको पुल अप दिया गया है, VL पे जितना वोल्टेज है वो इस पॉइंट पे आपको मिलेगा, ठीक है, और अगर ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, इस वोल्टेज को ये ग्राउंड कर देगा, इस टर्मिनल को ये ग्राउंड कर देगा, तो क्या होगा, इस पुल अप के थ्रू यहाँ पे जितना वोल्टेज आ रहा था वो भी 0 हो जाएगा। तो पुल अप इसलिए दिया जाता है कि आगे का रिक्वायरमेंट को देख के पुल अप दिया जाता है। इस आईसी का आउटपुट कितना निकलेगा उसका कोई ठीक नहीं होता, हमको आउटपुट उतना चाहिए होता है, आइदर 0 नहीं तो उतना वोल्टेज जितना उस सर्किट में आगे जिसको चाहिए जितना, तो इसीलिए पुल अप यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे पुल अप का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो पूरा सर्किट मैं बता नहीं रहा हूँ, पूरा सर्किट हम जब सब खत्म कर लेंगे उसके बाद मैं पूरा सर्किट का एक वीडियो बनाऊंगा, फिर मज़ा आएगा। टोटल सर्किट का जब वीडियो को हम समझेंगे कैसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तब बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्कीमेटिक डायग्राम में ओपैम्प। तो देखिए आईसी का नाम है PU101, ठीक है। तो इसको हम अगर मदरबोर्ड में देखेंगे, तो देखिए मैं निकाल के ही रखा था, ये हमारा मदरबोर्ड है, ठीक है, ये मदरबोर्ड है। तो देखिए यहाँ पे
देखिए मॉस्फेट जैसा दिख रहा है, लेकिन ये PU101 है। देखिए एक पैकेज में ही है, 8 पिन का है। ठीक है, ये कैसे 8 पिन का है, चलिए देखते हैं, डेटा शीट में देख लेते हैं। डेटा शीट भी मैंने निकाला हुआ है, चलिए डेटा शीट देखते हैं। LM393 का इतने सारे नंबर कंपैटिबल हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे डुअल डिफरेंशियल कंपैरेटर है। तो हम देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे, देखिए 2-3 इनपुट है, 1 आउटपुट है, 5-6 इनपुट है, 7 आउटपुट है, 8 नंबर VCC है, 4 नंबर ग्राउंड है। तो ये हो गया पैकेज। बाकी तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हुआ, सारे ट्रांजिस्टर से बनते हैं और डायोड और रजिस्टर से बन के इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर इसका हमको जान के कोई फ़ायदा नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं, इसके पैरामीटर्स हैं, कितने वोल्टेजेस आएंगे कितने जाएंगे, मैंने पहले भी बोला है, ये सब अभी हमको जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम ये देख लेते हैं, 2, 3, 1, 5, 6, 7, 8 और 4 है ग्राउंड। यहाँ पे देखते हैं, देखिए 8 नंबर पिन और 4 नंबर पिन, 4 नंबर ग्राउंड है, 8 नंबर पावर है, 2, 3 इनपुट है, तो आउटपुट हमारा 1 नंबर पिन है। यहाँ पे थोड़ा मैं बैक कर दूँ, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 है, आउटपुट 1 है। और इधर क्या है, इस तरफ भी देखते हैं, देखिए 5, 6 इनपुट है, 7 नंबर आउटपुट है। देखिए यहाँ पे भी वही सेम कॉमन पॉजिटिव सप्लाई और नेगेटिव सप्लाई है, 8 और 4। तो ये हो गया हमारा LM393 का डिस्क्रिप्शन। मैंने पहले वर्किंग तो बता दिया किस तरह से काम कर रहा है, हमने डेटा शीट भी देखा, हमने बोर्ड पे भी देखा, ऐसे काम करता है। आप अगर डेटा शीट में देखें तो एग्जैक्टली ये क्या कर रहा है, ये कॉम्परेटर जो है ये डिफरेंशियल कॉम्परेटर है, ये दोनों के डिफरेंस को, और यही ज़्यादातर यूज़ होता है LM393। ठीक है, और इस तरह से ये काम करता है।